जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल ज़रूर करना होता है, और होपफुली आप चाहते हैं कि वो ऐसी जगहों पे अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें जो मुस्बत जगह हों, तो उनका बंदोबस्त आपको पहली फुर्सत में करना चाहिए कि एक तो ऐसे बच्चों को फिज़िकली बहुत एक्टिव रखने की ज़रूरत होती है, दूसरा उनको कोई ज़िम्मेदारियां देने की ज़रूरत होती है जो नॉर्मली वालदेन कभी नहीं सोचते कि बच्चों को ज़िम्मेदारी दें, क्योंकि जो खाते पीते घराने होते हैं उनमें मुलाज़म ज़्यादा होते हैं, घर के अफराद कम होते हैं, और अमूमन बच्चे कोई काम नहीं करते जिससे कि बहुत नुकसान उभरता है। बच्चों को बचपन में ही आदत डाल दी जाए 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में कि वो कोई टफ़ काम करने लगे जो रोज़मर्रा वो करते हों, उनकी घरेलू कोई ज़िम्मेदारियाँ हों जिस हद तक भी वो उठा सकते हों, जिनको हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं कि जो 2-3 साल के बच्चे की उम्र को सिखाना हम शुरू करते हैं और 11 साल की उम्र तक बच्चा सारी एग्जेक्टिव स्किल्स सीख सकता है, या फिर बाकी सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है तब सीख लेगा। नॉर्मली जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है दिमाग में या अपरेटस होता है वो इस काबिल होता है कि 3 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक सारे स्किल्स करने वाले काम, ज़िंदगी को निभाने वाले काम, आगे बढ़ने वाले काम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है कर लेंगे, और एग्जेक्टिव स्किल्स लोग 45 साल की उम्र में भी सीख रहे होते हैं, 50 साल की उम्र में भी सीख रहे होते हैं, और सारी ज़िंदगी आपको एक और मौका मिलता है एग्जेक्टिव स्किल सीखने का। लेकिन सही टाइम एग्जेक्टिव स्किल सीखने का है 13 साल की उम्र के अंदर, वरना उसका खुमियाजा कहीं ना कहीं मूड की ख़राबी के हवाले से भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़ नज़रियात है जो कि हमें तारीखी तौर पर विरसे में मिलते हैं, और वो नज़रियात दुरुस्त नहीं होते, हम उन्हें दुरुस्त समझते हैं, बहुत मैंडेटरी समझते हैं, जैसे कि ये सोचना कि मुझे दूसरे लोगों से आगे निकलना है, मुझे दूसरे लोगों से ज़्यादा काबिल बनना है, मुझे दूसरे लोगों से ज़्यादा ताकतवर बनना है, मुझे दूसरे लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बनना है, ये जो बीच में दूसरे लोग जहाँ भी आएंगे, जब दूसरे लोग बीच में आएंगे तो मूड की खराबी आगे आपके राह में आके खड़ी हो जाएगी।